हेलो माय डियर फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको विटामिन बी के बारे में बताएंगे, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। विटामिन बी समूह या कॉम्प्लेक्स शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक होता है। इस विटामिन की कमी से आपका शरीर रोगों का गढ़ बन जाता है। विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव हैं, जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए आप बहुत से उपाय करते हैं। छोटी मोटी बीमारियों से बचने के लिए अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेते हैं। आज इन छोटी मोटी बीमारियों से बचने के लिए विटामिन बी शरीर के लिए कितना लाभदायक है कि जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए। ऐसे तो शरीर के अच्छे सेहत के लिए सभी विटामिन्स लाभदायक हैं, लेकिन उन सभी विटामिन्स में सेहत को स्वस्थ और खिला खिला रखने के लिए विटामिन बी बेहद खास है। इसकी कमी शरीर में हुई तो बीमार होना तय है। कुछ लोगों की समस्या है कि उन्हें चक्कर आते रहते हैं तथा कुछ लोगों के उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। वहीं किसी को कब्ज की परेशानी, तो किसी को आँखों के आगे एकदम से अंधेरा छा जाना, व्यवहार में परिवर्तन आदि आम समस्या हर दूसरे व्यक्ति से सुनने को मिलती है। इसके अलावा मुंह और ओंठों का फटना, आँख संबंधी बीमारी, सिर दर्द, तनाव, थकान, शरीर में कमजोरी महसूस होना, बालों के रंग में बदलाव, शारीरिक विकास रुकना, वजन कम होना, भूख न लगना, त्वचा संबंधी रोग, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया, याददाश्त की कमी, चिड़चिड़ापन, झुंझुनी या हाथ पैरों में अकड़न, दृष्टि दोष, मुंह के छाले, कब्ज, दस्त, मस्तिष्क संबंधी बीमारियां और बाष्पन, इन सभी समस्याओं का कारण शरीर में विटामिन बी की कमी है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए विटामिन बी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। यह न केवल आँखों की सेहत के लिए अच्छा होता है, बल्कि इसके उपयोग से पाचन प्रणाली की सेहत भी तंदुरुस्त होती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए खान पान पर ध्यान देना जरूरी है। विटामिन बी वन की पूर्ति के लिए संतरा, गेहूँ, हरी मटर, अंडा, चावल, मूँगफली, हरी सब्जियाँ, अंकुरित अनाजें लें। बी टू के लिए मटर दाल, अंडे की जर्दी, चावल, मछली, खमीर आदि का सेवन करें। बी थ्री के स्रोत की बात करें तो अखरोट, मेवा, दूध, अंडे की जर्दी आदि इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन बी फाइव के लिए मक्खन, दूध, दाल। बी सिक्स के लिए गेहूं, मछली, अंडे की जर्दी, खमीर, चावल। बी सेवन के अच्छे स्रोत में मैदा, सोयाबीन, चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूँ। विटामिन बी ट्वेल्व के स्रोत में मछली, मांस, अंडा प्रमुख है। अक्सर कुछ लोग कोई चीज़ रख कर भूल जाते हैं, यह दिमाग की कमजोरी की वजह से होता है। अतः उन्हें दिमाग के विकास के लिए विटामिन बी की ज़रूरत है। लीवर, आंतों और किडनी को सही तरीके से सक्रिय रखने में विटामिन बी सेवन सहायक है। ख़ास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन बी नाइन बेहद ज़रूरी है। इसका सबसे अधिक रोल बच्चे को स्वस्थ रूप से दुनिया में लाने का है। विटामिन बी नाइन का अच्छा स्रोत दलिया, मटर, मूंगफली, अंकुरित अनाज है। विटामिन बी फाइव का अच्छा स्रोत दूध, दाल, पिस्ता, मक्खन, खमीर है। जो लोग हरा भरा खाना पसंद करते हैं, वे लोग हरी पत्तियों के साग, पालक, मेथी, सरसों आदि को अपने आहार में शामिल करें। यह विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। विटामिन बी के सेवन से मेटाबॉलिज्म की शक्ति बढ़ती है। त्वचा को चमकदार बनाने के लिए विटामिन बी थ्री मुख्य तत्वों में से एक है। इसके सेवन से स्मरण शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। दिमाग और तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से काम करने में विटामिन बी का महत्वपूर्ण योगदान है। विटामिन बी के सेवन से कोशिका में पाए जाने वाले जीन डीएनए का निर्माण होता है, साथ ही उनके सेहत में सुधार भी आता है। यह न केवल शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि हर वक्त एक्टिव भी रखता है।
हड्डियों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने में विटामिन ए बेहद मददगार है। शरीर के लिए हर विटामिन को लेना जरूरी है। सब अलग अलग तरीकों से शरीर को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन विटामिन बी के समूह सेहत को कई रोगों से दूर रखते हैं। विटामिन बी रीढ़ की हड्डी और नसों के कुछ तत्वों को बनाने में मदद करता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी इसी से होता है। विटामिन बी 12 की कमी से सीने में जलन और एसिडिटी होती है। विटामिन बी 12 को रक्त में घोलने में गैस्ट्रिक एसिड की बड़ी भूमिका है और विटामिन बी की कमी के कारण शरीर में एसिड रिफ्लक्स की स्थिति आ सकती है। शरीर में अगर विटामिन बी की कमी की भरपाई ना हो तो डिमेंशिया, ब्रेन डैमेज, एनीमिया जैसी समस्या हो सकती है। प्रतिदिन शरीर को 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 की आवश्यकता होती है। वहीं विटामिन बी की कमी से दिमाग की कमजोरी, पैरालिसिस जैसी समस्या भी होती है। हाँ दोस्तों, अब आपने अच्छी तरह से जान लिया कि विटामिन बी समूह आपके शरीर को स्वस्थ रखने में कितना लाभकारी है और इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं तथा विटामिन बी समूह का प्रमुख स्रोत क्या है। अब आप अपने शरीर को इन बीमारियों से बचाने के लिए वीडियो में बताए गए चीज़ों का सेवन जरूर करें, जिससे आप स्वस्थ और निरोगी रहें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करने का कष्ट करें तथा इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिससे वे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। हाँ दोस्तों, अंत में आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, जिससे आपको मेरे द्वारा डाली गई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।